जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट में, तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में हुआ है 12/12/2017 में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बिल आइकॉन पे क्लिक करने से होगा ये कि जो नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संज्ञेय अपराध किस में वर्गीकृत है, तो संज्ञेय अपराध 2C में वर्गित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ था, तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन SC ST और ACT में क्या जोड़ा गया है, तो SC ST ACT में सामाजिक और आर्थिक नीति जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्जिकल स्ट्राइक किसके द्वारा की गई, तो सर्जिकल स्ट्राइक अजीत डोभाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जनजातीय अपराध किस श्रेणी में आता है, तो जनजातीय अपराध प्रथम अनुसूची श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन किस में आता है, तो किसी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन संसद के नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिर्जा गालिब किसके शासनकाल में थे, तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व के न्यायाधीशों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो विश्व के न्यायाधीशों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जमानती अपराध किस सूची में आता है, तो जमानती अपराध प्रथम अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राग का प्रमुख कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुलिस बिना वारंट के किसको गिरफ्तार कर सकती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से गायक मुगलों के दरबार में थे, ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर वेयर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑफ आर्टिकल से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना वारंट गिरफ्तारी होती है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विषप न्यायाधीशों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो विषप न्यायाधीशों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेपाल का PS क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 40 के भाग में 4 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, लेकिन संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा राज्य की सीमा व उसके नाम में परिवर्तित सॉरी कौन सा राज्य की सीमा व उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो संसद में नाम परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जमानती अपराध किस में आते हैं, तो जमानती अपराध प्रथम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिना वारंट गिरफ्तारी होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान कितने प्रकार से हो सकता है, तो संविधान कुल 3 प्रकार से हो सकता है। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे गए वो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दीन पनाह किसने बनवाया, तो दीन पनाह हुमायूं ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, ये बताना है आपको। और आंध्र प्रदेश के गठन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, कौन से सन में किया गया था, 42वां संशोधन सन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वीं सूची 22 भाषाओं पर एक प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना प्रमुख जो भी हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि मूल विधि से भी प्रश्न पूछे गए थे। अब थोड़ा मैथ के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड शिफ्ट के मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, यदि एक को 62% वोट मिले, वो 168 वोटों से जीत गया, तो कुल वोट बताइए। तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, ये देखिए आप लोग, 10 × 10 × 15 बीमा वाले कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे हल करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि एक संख्या को 114 से भाग देने पर 21 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो क्या शेष मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो भी हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं। तो जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व के न्यायाधीशों का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो लखनऊ में हुआ था। ये क्वेश्चन हमसे रिपीट हो गया, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जमानती अपराध किस में आते हैं। तो जमानती अपराध प्रथम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 कौन बनी है। तो मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर जी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुलिस बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस बिना वारंट के संयम अपराध 2C की धारा से गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो रिबोसोम एंडोप्लाज्म रेतुकुलम की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राह के प्रमुख कौन है। तो राह के प्रमुख हैं अनिल कुमार धस्माना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है ये बताना है आपको। एक क्लियर नहीं है दोस्तों कि ये यामा की क्लियर नहीं है कि यामा के लिए दिया जाता है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF के प्रमुख कौन है। तो CISF के प्रमुख है सुरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में आता है। तो ग्राम पंचायत का आर्टिकल 40 में आता है। दोस्तों मैंने आर्टिकल का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आर्टिकल का पूरा वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में है। तो संविधान में संशोधन 368 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिंदे किसकी रचना है। तो परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में आता है। तो संविधान संशोधन में 368 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किसके शासनकाल में थे। तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधम का विलोम शब्द होगा उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिंदे किसकी रचना है। दोस्तों मैंने ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो उसके लिए आपसे सॉरी चाहते हैं, माफी चाहते हैं सॉरी उसके लिए। तो परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा का हेड कौन है। तो रा का हेड है अनिल दसमाना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2017 किसे चुना गया, ये भी क्वेश्चन हमसे रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था। तो वर्ल्ड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस सिटी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो संसद सीमा से परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख 14 भाषाओं में है, जो अनुसूची में से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसे किसकी व्यापकता को दृष्टिगत करते हुए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किस कमेटी ने किया। तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन JBP ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% और हाइट 75% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से
काफी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 × 10, 10 × 5, 10 × 10 × 5 बीमा वाले कमरे रखी छड़ की लंबाई बता सकते हैं आप क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द होगा बिटप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कि भारतेंदु में कौन सी संधि? तो भारतेंदु में गुड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 51 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निंद्र का तद्भव शब्द क्या होगा? तो निंद्र का तद्भव शब्द निंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर नारी में समास है। तो नर नारी में समास है द्वंद्व समास। प्रतिशत से दो प्रश्न पूछे गए थे। दामिनी में किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दामिनी में बिजली का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के गठन पर एक सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अचल शब्द का विलोम शब्द चल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख है VS धनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको जीतने वालों को क्या कहते हैं? तो सबको जीतने वाले को सर्वजीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संशोधन सन 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी राय दें कि आप लोगों को किस प्रकार के वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।